अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने पेट्रोल डीजल को लेकर राजस्थान की ओर से कोई राहत नहीं दिए जाने पर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार 8 करोड़ जनता को लूटने में लगी है, जिससे कि वह अपनी सरकार को बचा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया कि वह केंद्र सरकार द्वारा दी गई राहत से राजस्थान को नुकसान बता रहे हैं, जबकि आम जनता को इससे फायदा मिला है। उसी फायदे से बचने के लिए वह इस तरह का बयान दे रहे हैं, जो कि निंदनीय है। ऐसे में उन्होंने राजस्थान सरकार व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पेट्रोल डीजल के वेट में कमी कर आम जनता को राहत देने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर प्रदेश की जनता में रोष व्याप्त है और आगामी दिनों में बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेगी। राजस्थान में 8 करोड़ जनता को लूटने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। पिछले दिनों से देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान में सर्वाधिक हैं, बिजली के दाम सर्वाधिक हैं। जब डीजल पेट्रोल के भाव इन्होंने केंद्र सरकार ने 5 रुपये और 10 रुपये कम कर दिए, उसके बाद अशोक गहलोत का ये स्टेटमेंट देना कि इससे 1800 करोड़ रुपये के राजस्थान को लॉस हुआ है, इसके ये उनका बयान शर्मनाक और निंदनीय है। वो राजस्थान की जनता को किसी तरह की कोई राहत देना नहीं चाहते, क्योंकि इस समय वह अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जनता को लूटने में लगे हैं। पिछले 2 वर्षों के अंदर 10,000 करोड़ रुपए राजस्थान की गरीब जनता का इन्होंने लूटा है, डीजल के या पेट्रोल के वेट के अध्ययन से सर्वाधिक वेट है, तो वेट ज़रा कम करें। अतः हमने मांग की है इस वेट को तुरंत कम करें, नहीं तो हम सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि इसका वेट कम करें। विधायक वासुदेव देवनानी ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर समीक्षा की और विभिन्न मांग रखते हुए जल्द कार्यवाही के लिए भी कहा गया। विधायक ने बताया कि हाथीखेड़ा व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे नहीं बनने से लोग परेशान हैं और शहर के अलग अलग स्थानों पर सीवरेज सिस्टम खराब होने और फाइसागर रोड पर स्थित पुलिस चौकी को स्थानांतरित करने के विषय में भी चर्चा की गई। आज जिलाधीश महोदय से अजमेर की विभिन्न समस्याओं को लेकर के चर्चा की है। इसमें मुख्यतः एक मेरे फाइसागर रोड पर और हाथीखेड़ा पंचायत समिति में लोगों को पट्टों की समस्या आ रही थी कि पंचायत देगा, एडीए देगा, उनकी कुछ समस्याएं थी, उसके बारे में चर्चा की है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि एडीए देगी, उसकी रेट भी 501 रुपये है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने सरपंच से भी अभी चर्चा की है, उनकी समस्या का मैंने समाधान करने के लिए इनको आग्रह किया है। दूसरा, हमारे जो निगम से जो 30 किलोमीटर सड़क बननी थी उसका भी अभी तक कहीं काफ़ी महीने हो गए प्रगति नहीं हुई थी, तो उस पर इन्होंने PWD से बात की है, तो उन्होंने टेंडर बुकिंग 23 तारीख को टेंडर खुलेंगे, उसका निःशुल्क से अजमेर में बाकी जो सड़कें बननी है उसका भी काम प्रारंभ हो जाएगा। अन्ना सागर पुलिस चौकी भी काफ़ी समय से नई बने, इसके लिए आग्रह किया है, उसके लिए उन्होंने SP साहब से बात करके और इसको एग्जीक्यूट कराने का आश्वस्त किया है। साथ में सबसे बड़ी समस्या अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम की है। इस समय जगह जगह सड़कें तो बन रही हैं, लेकिन सड़कों का हाल ये कुछ महीनों में ही ये सड़कें टूट जाती हैं। उन सड़कें टूटने का कारण तो पानी आ जाता है, उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें। तो इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं ADA के माध्यम से अगले कुछ 3 महीने के अंदर हम इसका अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम प्लान करेंगे, उसके अनुसार करेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे।